हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि अभी तक हमारे DPP मैट्रिक्स के 3 हो गए थे, ठीक है ना, तो ये आपका DPP 4 सेशन है मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो जिसमें आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहें, क्योंकि आपके लिए ही ये क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार CBSE बोर्ड में कई बार इसको पूछा गया है, ठीक है ना। और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग बड़े बड़े क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल IIT वगैरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर देखें, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे होमवर्क डिस्कशन से, ठीक है ना। जो मैंने DPP 3 जो सेशन था, उस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और कई बच्चों ने इसको कर भी लिया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं कर पाया, आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, कि इफ ए एंड आई दो मैट्रिक्स दिए हैं हमें, ठीक है ना। तो आपको सिंपल ए शो करना है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं इस इक्वालिटी को यदि ए फॉलो करते हैं मैट्रिक्स, तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या हमें दी है मैन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8A+KI। आपको पता है आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वालिटी को फॉलो करने के लिए आप इसे अभी इक्वेशन 1 दे दें, ठीक है ना। और इसमें जिस जिस वैल्यू की हमें नेसेसरी है, उस वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बताइए ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए मैट्रिक्स का 2 times हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1, 0, -1, 7, और इसी का अगेन हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 0, -1 और 7, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। आप सबसे पहले हम देखेंगे क्या इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि सेम मैट्रिक्स है एंड इसका फिनिशिंग किस पे हुआ, 2 पे। इसकी स्टार्टिंग किस से हुई, 2 पे। इसमें कॉलमों की संख्या और इसमें रो की संख्या क्या है, इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कराइए मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा, और मैट्रिक्स भी आपको 2x2 का ही फाइंड होगा, ठीक है। तो इसमें रो 1 को फिक्स कीजिए और कॉलम 1 और कॉलम 2 में इसका क्या करें आप, मल्टीप्लिकेशन करा दें। तो कराएं इसको, 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आएगा, और 0 का -1 में तो +0 आएगा, ठीक है ना। आप इसमें कराएं तो 1 का 0 में मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 0 का 7 में मल्टीप्लिकेशन 0, ठीक है। आप रो 2 को फिक्स करें और रो कॉलम 1 और कॉलम 2 में मल्टीप्लिकेशन कराएं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इसमें कराएं तो क्या आएगा, -K1 प्लस क्या आएगा, -K7, ठीक है ना। आप इसका इसमें कराएं तो 1 हो जाएगा 0 प्लस 7 का 7 में मल्टीप्लिकेशन 49। अब आप इसको क्लियर लिख दें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या हो गया, 1, 0, -K8 और A 49, ठीक है ना। तो आपको जैसा कि आपने देखा ए स्क्वायर हमें आवश्यकता थी, इसलिए फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 8A, तो 8A फाइंड कर लो आप यहाँ पे, ठीक है ना। 8A क्या आएगा हमारा, ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 8 से, ठीक है ना, इसी में करा दो। तो स्केलर क्वांटिटी है, और किसी मैट्रिक्स में यदि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा एवरी एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8A मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 8, 0 और -K8 और 7 में होगा तो क्या आएगा, 56। तो ए हमारा क्या आ गया, 8A मैट्रिक्स, ठीक है। अब बस KI क्या होगा हमारा, KI, ठीक है ना। तो चूंकि I हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख सकते हैं, तो KI क्या हो जाएगा, 1 में जब मल्टीप्लिकेशन होगा K का, तो K 0, 0 एंड K,
तो आप देख सकते हैं ये सारे मैट्रिक्स जो जो वैल्यू हमें इक्वेशन वन के लिए फाइंड करनी थी वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब बस सेटिस्फेक्शन कराना है, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है ना, सारे वैल्यू को आप इक्वेशन वन में सेटिस्फाई करा दें, ठीक है ना, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या होगा, ए स्क्वायर क्या है हमारा 10 माइनस 8 49 इज इक्वल टू 8a क्या आया आपका, वो है वहां पर 80 माइनस 8 56 और प्लस क्या है आपका के आई, तो के आई आपका क्या आया के 00, ठीक है। तो ए आपका क्या हो गया, इक्वेशन में अभी आपने वैल्यू पुट करा दी, ठीक है ना। अब हमें क्या कराना है, अब हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन, थोड़ा आप और देख ले इसको, ठीक है। तो क्या होगा ये 10 माइनस 8 49 इज इक्वल टू, इसको आपको क्या करा देना है, ऐड करा देना है। तो क्या होगा ये आएगा आपका 8 प्लस के और 0 प्लस 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के 8 और ये आपका क्या हो जाएगा के प्लस 56, ठीक है ना। तो ये सारे आपके हो गए। अब आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन अब आगे की कर देता हूँ, ठीक है ना, एक बॉक्स बना के, ठीक है, यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन करता हूँ। अब आपको क्या कराना है, कंपेयरिंग, ठीक है ना, आपको क्या कराना है कंपेयरिंग, दोनों मैट्रिक्स आपके क्या दिए हैं इक्वल, तो आपको क्या कराना है कंपेयर करा के k की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन याद रहे प्रत्येक मैट्रिक्स में k की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ और आए यहाँ से कुछ और, यदि वैल्यू सेम आए तब तो वो k की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अगर अलग अलग आए तो k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो जब आप इस मैट्रिक्स का कंपेयर कराएं तो यहाँ पर इस एलिमेंट का, तो 8 प्लस के इज इक्वल टू किसके आएगा, 1 के आएगा, इसमें कराएं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यहाँ से के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू आई माइनस के 7, ठीक है। अब यदि इस एलिमेंट की हम क्या कराएं कंपेयर कराएं तो भी हमें माइनस 7 मिले, तब हम कहेंगे कि के की वैल्यू माइनस 7 इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं k प्लस 56 किसके इक्वल होगा 49 के, ठीक है 49, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 49 माइनस के 56, तो k इज इक्वल टू क्या आया आपका माइनस के 7, ठीक है, यहाँ से भी आपका माइनस 7 आया और यहाँ से भी आपका माइनस 7 आया, तो यहाँ पर हमें मिल गया हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जगह नहीं है यहीं पे इसलिए मैं ऊपर बता देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ k की वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस के 7, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं कर पाया हो तो आप अब कर लें, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें, जब तक मैं थोड़ी जगह क्लियर कर लूं अगले क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ट्राई करें आप लोग क्वेश्चन, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आइए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपका एक मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, ए अल्फा के रूप में आपको एक मैट्रिक्स दिया है, क्या है वो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको इस टाइप से एक मैट्रिक्स दिया है, तो आप एक इक्वालिटी फॉलो करें, ठीक है ना, फॉलो करके दिखाएं, क्या कराना है हमें फॉलो, ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
तो हमारा ए बीटा क्या आएगा, जिस टाइप से उनने दिया है ए बीटा क्या आएगा आपका, देख लेते हैं क्या होगा। अल्फा की जगह कॉस बीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन बीटा, माइनस के साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, हम इनका मल्टीप्लिकेशन कराएं और यदि हमें रिजल्ट क्या मिल जाए, ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से। तो हमें वो इक्वेशन क्या करानी, फॉलो करानी, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसमें सॉल्व करा रहे हैं, तो क्या लेंगे आप LHS, ठीक है ना, LHS टेक करेंगे। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो दोनों का हमें क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू क्या होगा हमारा, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस के साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है ना। इन दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन, और रिजल्ट हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, क्या फाइंड होता है देखते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगा, अभी आपको ऐसे कई क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 2x2 के दोनों ही मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें क्या करना है, रो 1 को फिक्स करना है और कॉलम 1 और कॉलम 2 का क्या करा देना है, मल्टीप्लिकेशन करा देना है। तो करिए, क्या होगा यहाँ से क्या आएगा आपका, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और इसमें कराएं तो क्या आएगा, माइनस के साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ओके। अब आपको सेकंड कॉलम में इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है, कराएं तो क्या होगा, ये कॉस अल्फा साइन बीटा और अगेन इसका प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब हम किसका कराएंगे, रो 2 का, ठीक है, कराएं तो इसमें क्या आएगा, माइनस के कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा और यहाँ पे भी माइनस के साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, अभी ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कराएं तो इसमें कराएंगे तो माइनस के साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका इसमें कराएं तो प्लस के कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। आप इसमें क्या करें, इसमें माइनस यहीं पे कॉमन ले लें और प्लस कर दें, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या चल रहा था, ए अल्फा इंटू ए बीटा, आपको ए फॉर्मूला किसका बन गया, आप चेक करें तो ए फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका होता, कॉस ए प्लस बी का। तो ए फॉर्मूला आपका क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ए फॉर्मूला किसका है, साइन ए, यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऑर्डर थोड़े मिसप्रिंट है लेकिन आप देख सकते हैं, यदि आप ऑर्डर को पलट के रख दे तो ये हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, देख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा लिखा है, ठीक है। और इसी प्रकार ए भी आपका क्या लिखा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, सेम है देख सकते हैं आप, तो माइनस बाहर है और साइन अल्फा प्लस बीटा, और ए आपका क्या है, देख लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा, तो ए भी आपका क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो देख सकते हैं यदि आपने ए अल्फा ए है तो यह ए किसके इक्वल होगा, मैंने बताया था अल्फा के स्थान पे, अब क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव, बराबर में क्या आ गया हमारा, RHS, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे, ठीक है ना, आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए, प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा। एक क्वेश्चन CBSE 2005 में आया था, एक क्वेश्चन CBSE 2016 में आया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपके भी एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अभी तो खैर एग्जाम की कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ आपके एग्जाम होंगे जरूर, और नहीं होंगे तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप बिना एग्जाम दिए अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाओगे
तो आप 12th वालों का बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करें आप। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखो, आप इम्पोर्टेंट भी लिखा है और NCERT और CBSE 2015 में ये आया है, ठीक है ना, 15 में आया 2000। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 3 है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। एक मैट्रिक्स आपको दिया है, ए मैट्रिक्स क्या दिया है? 2, 3, -1, 2। ओके, और आपको एक फंक्शन भी इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, fx = x²-4x+7, ठीक है ना। तो ये तो x का यहाँ पर ये फंक्शन जो दिया है वो क्या है, नंबर्स के लिए फंक्शन दिया है, लेकिन वो बोल रहे हैं आप सेटिस्फाई सो डेट, दिखाइए कि fa मतलब x के स्थान पे हमें पोजीशन पे क्या रखना है, a। a यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स है, और इसको हमें क्या दिखाना है कि a हमारा क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a का ऑर्डर क्या है, 2x2, तो हम सारे मैट्रिक्स 2x2 के लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 अकेला नहीं लिखा जाएगा, उसके साथ भी आपको एक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन किसका होता, मैट्रिक्स का, और सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। तो 7 को भी हमें एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या 7 के साथ 1, और 1 को हम क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एफ ए आपका क्या हो जाएगा उस इक्वेशन से, a²-4a+7। अब 7 यहाँ पर a मैट्रिक्स है, लेकिन 7 अकेला नंबर नहीं लग सकते, इसे भी हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसे आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कितने ऑर्डर का, तो ऑर्डर हमारा क्या है, 2x2, तो इसको भी हम क्या 2x2 का लेंगे, और जिसे रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, i2 से, ठीक है। तो इसी को क्वेश्चन को हमें सॉल्व कराना है, तो इसकी वैल्यू आपको एक एक करके इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर सबसे पहले आप फाइंड कर ले, 4a 7i2, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, इस मैट्रिक्स का हमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, करा देते हैं, 2-1 3 और 2, ठीक है। तो इसमें रो 1 फिक्स करें और कॉलम वाइज आप क्या करा दें, मल्टीप्लिकेशन करा दें, तो क्या होगा हमारा, 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन, 4 प्लस माइनस के 3 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कराएं तो क्या आएगा, 6 प्लस 6। अब इसका रो 2 का कराएं, -2 और ab -2। अब इसमें कराएं तो -3 और इसमें कराएं तो +4, ठीक है। तो अब आपको क्या कराना है, कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और हम कर देंगे, तो ए स्क्वायर हमारा क्या आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 12, यहाँ से -4, यहाँ से हमारा 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर हमें वैल्यू फाइंड हो गई, अब कुछ नहीं, इक्वेशन 1 में डायरेक्ट हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हमें दिक्कत का काम नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर हम इक्वेशन 1 से, क्योंकि 4a वहीं पे निकाल लेंगे, कुछ नहीं, केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा 7i2 क्या है हमारा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इक्वेशन 4 में डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो आइए हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा एफ ए का वैल्यू, ठीक है ना, एफ ए का वैल्यू, तो आइए यहाँ पे नहीं, थोड़ा वहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ से करते हैं, एफ ए क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, कितना आया, ए आया आपका क्या है, 1-4 12 और 1, और इसमें माइनस
फोर ए, फोर एंड ए हमारा क्या है ए, टू थ्री माइनस वन एंड टू, ठीक है। अब हमें क्या कराना है प्लस सेवन आई टू, क्या हो जाएगा वन वन जीरो जीरो, ठीक है। अब हमें क्या कराना है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दें, ठीक है ना। तो एफ ए क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा रुक लीजिए, थोड़ी देर बाद हम इसको ऐड करेंगे, अभी सेम लिख दें वन ट्वेल्व माइनस फोर और वन। ये हमारा माइनस फोर का आप क्या करें, माइनस ही फोर का आप क्या करा दें, मल्टीप्लिकेशन करा दें। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस फोर का अंदर मल्टीप्लिकेशन, माइनस के एट माइनस के ट्वेल्व प्लस के फोर माइनस के एट, ठीक है ओके। अब सेवन का भी करा दें तो प्लस आपका वन की जगह क्या हो जाएगा सेवन सेवन जीरो जीरो। अब डायरेक्ट आप एडिशन करा दें तीनों मैट्रिक्स का, कोई ये नहीं है कि दो ही मैट्रिक्स का एडिशन, तीन मैट्रिक्स का भी एडिशन आप करा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो एफ ए है वो क्या आ जाएगा, वन प्लस सेवन एट हो जाएगा, और माइनस एट जुड़ के क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो, और जीरो में जुड़ेगा क्या आएगा जीरो, ओके। माइनस फोर और फोर जीरो, और ए ऐड होके जीरो, ठीक है। वन प्लस सेवन अगेन आपके एट, और माइनस एट में ऐड होंगे तो क्या आएगा जीरो। तो आप देख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया ओ, और जैसे हम क्या बोलेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्या मिल गया आपको, नल मैट्रिक्स मिल गया। और ये अभी हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तो हमने इसे प्रूव किया है, अभी इसको थोड़ा और आगे देखें, आगे भी कुछ पूछा गया है। यूज द रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज करके हमें क्या ए फाइव की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप इतना उतार लें, आगे हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन आपका हो गया होगा, आइए अब देखते हैं आगे। तो देखिए इस रिजल्ट का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एफ ए हमारा क्या था, निकालिए ए का स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सेवन आई टू इज इक्वल टू ओ। अभी हमें पता नहीं था कि ये क्या प्रॉपर्टी जो दी है वो सही है, रिजल्ट सही है या गलत, लेकिन हमने खुद अपना प्रॉपर्टी को प्रूव किया। अब हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को ए फाइव की वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, आप जानते हैं कि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। यदि किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़ें तो अगेन हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ उसे वहाँ पहुँचाएंगे माइनस फोर ए को, तो प्लस फोर ए, और ए क्या हो जाएगा माइनस के सेवन आई टू, और ओ में जुड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगेन यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ओ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या कराना है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है इस इक्वेशन वन, हम इसकी हेल्प से किसकी वैल्यू निकालेंगे ए क्यूब की। ए क्यूब को आप क्या लग सकते ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन वन से हम इसमें पुट कराएंगे तो क्या आएगा फोर ए माइनस सेवन आई टू इंटू ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर ए इंटू ए, सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता ए स्क्वायर माइनस सेवन आई टू हो जाएगा, ओके। ए क्यूब का वैल्यू निकाल लें हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर रख देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी फोर ए माइनस के सेवन आई टू, ठीक है, माइनस सेवन आई टू अगेन, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आपने देखा नहीं, ए का भी मल्टीप्लिकेशन होना था,
तब हमें एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर पता है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि किसी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स रिटर्न में मिल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए क्यू क्या आएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन माइनस के 16 ए, यहाँ पर 28 आई टू, और ए क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से 7 ए। किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ से आपका ए क्यू क्या आएगा, इसमें आप इसको क्या करें, सबट्रैक्ट, तो क्या आएगा 9 ए माइनस की 28 आई टू, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए क्यू की, अब इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए फोर की वैल्यू निकालेंगे। तो ए फोर हमारा क्या होगा, ए क्यू इंटू ए, तो ए फोर, ए क्यू हमारा क्या है, ए निकाला हमने, क्या है ए क्यू हमारा 9 ए माइनस 28 आई टू, और इसमें हमें किस से मल्टीप्लिकेशन कराना है, ए से, ठीक है करा देते हैं। तो क्या आएगा ए फोर, इसमें कराए मल्टीप्लिकेशन 9 ए स्क्वायर माइनस 28 आई टू का ए में मल्टीप्लिकेशन, तो अगेन मैं ऐसा नहीं लिखता, डायरेक्ट इसको क्या लिख दूंगा, ए लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तो अगेन वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से इसमें लगाएंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 4 ए माइनस के 7 आई टू, ठीक है ना, और माइनस के 28 ए। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना आना है, मल्टीप्लिकेशन, ए फोर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 36 ए, ठीक है ना, और इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 63 आई टू, और ए हमारा क्या है माइनस के 28 ए, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर आप इसको क्या करा दें, सबट्रैक्ट करा दें, तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं 8 ए मिलेगा, ठीक है ना, तो 8 ए माइनस के 63 आई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, ए फोर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए फाइव निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, ए फाइव, ठीक है, तो ए फाइव हमारा क्या हो गया, ठीक है ना, ए फाइव क्या, ए फाइव को हम क्या लिख सकते, ए फोर इंटू ए, तो ए फाइव इज इक्वल टू, ए फोर हमारा क्या है, ए है, क्या है, 8 ए माइनस 63 आई टू में मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कराना है, ए से, ठीक है था। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर ए का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो ए फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 8 ए स्क्वायर माइनस 63 आई टू में ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सिंपली आप उसको क्या लिख सकते, ए लिख सकते, लिख दें, तो ए फाइव इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से अगेन पुट करा देंगे, तो क्या होगी वो हमारी 4 ए माइनस के 7 आई टू माइनस के 63 ए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या कराना है, सॉल्यूशन कराना है, ठीक है ना, तो ए फाइव यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 32 ए, इसमें तो क्या आएगा 56 आई टू माइनस के 63 क्या आएगा, ए, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करा लें तो आपका क्या आएगा, ए फाइव इसको सब्ट्रैक्ट कराएं तो माइनस के 31 ए माइनस के 56 आई टू। तो यहाँ से हम ए फाइव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसको उतार लें, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, तो ए फाइव की वैल्यू हम अब फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए फाइव क्या आया, ए फाइव हमारा आया माइनस के 31 ए एंड माइनस के 56 ए, ठीक है ना, 31 ए। तो ए की वैल्यू हमारे, सॉरी यहाँ पर क्या है, I2 है, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू हमें गिवन है, तो निकाल लें हम ए फाइव माइनस के 31, ए मैट्रिक्स क्या हमारा 2 3 माइनस 1 2 और माइनस के 56, I2 क्या है 1 1 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम सारा क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए अगेन, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही बची है। तो ए फाइव इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या होगा माइनस के 62, इसमें कराएं तो क्या होगा माइनस के 9 और 93, ठीक है ना।
इसमें कमाया तो प्लस के क्या हो जाएगा 31, इसमें कमाया तो क्या हो जाएगा माइनस के 62। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करा माइनस का करा दें डायरेक्ट, तो माइनस के 56, 0 माइनस के 56। ठीक है ना, तो अब आपको इसको क्या कराना है, एडिशन कराना है, तो कराते हैं क्या आएगा A5 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसका इसमें एडिशन कराना है, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा आपका A 8 हो जाएगा और 6 और 5 आपका 11। ठीक है, इसको इसमें कराएंगे तो माइनस के 93 प्लस के 31, इसका भी सेम क्या होगा 118। तो ए आपका क्या आ गया A5 की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको पूछी गई थी, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क डिस्कशन में रहने देते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में DPP 5 सेशन में हम देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार इस वीडियो को फिर देखें, उसके बाद खुद अपनी कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करें, तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे कुछ नए क्वेश्चन लेके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।